पूरे दुनिया में वैश्विक महामारी का रूप ले चुके कोरोना वायरस को लेकर हमारी देश की सरकार भी काफी चिंतित है। कल देश के प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया और आम लोगों से इस कोरोना वायरस का जो है उससे बचने की कई तरह की सलाह भी दी। उसमें खास करके एक बात सामने आई है कि लोग जहां पर ज्यादा संक्रमित लोग हैं वहां पर मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, घर में हैंड वॉश यूज करें, समय समय पर हाथ धोते रहें। उसको लेकर कहीं ना कहीं बाजारों में इन चीजों की डिमांड काफी बढ़ गई है। कोयलांचल क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर भी इन चीजों की काफी डिमांड बढ़ गई है, लेकिन स्टॉक उपलब्ध नहीं रहने के कारण अधिक से अधिक लोग न तो सैनिटाइजर खरीद पा रहे हैं न तो मास्क। इस समय हम डकरा में मौजूद हैं, बलविंदर जी की ये मेडिकल की दुकान है, उनसे हम जानना चाहेंगे कि मार्केट में भी सैनिटाइजर और मास्क की क्या डिमांड है। क्या डिमांड है अभी मास्क? हाँ, मास्क की डिमांड काफी है लेकिन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है यहाँ पर पूरा, और वैसे हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं यहाँ की जनता को भी जागरूक करने के लिए, और प्लस मास्क और सैनिटाइजर की उपलब्धता जो कमी हो रही है उसको पूरा, हमें पूर्ण विश्वास है कि आज या कल तक में सही मात्रा में यहाँ पर सब सामान उपलब्ध हो जाएगा, और यहाँ के पब्लिक को कम से कम हम लोग इस बहाने जागरूक कर सके। और मोदी जी का जो भाषण कल सुना है काफी प्रेरणादायक रहा है, और उनके 20 तारीख के जिस आह्वान को किया गया है हम लोग सभी जनता से, 20 को है ना, 22 को, 22 तारीख को जो आह्वान किया गया है हम लोग कोशिश करेंगे, जनता से एक अपील हम लोग भी अपनी तरफ से करना चाहते हैं कि कम से कम जरूरत के लिए ही बाहर निकलें, वरना अपने घर में अपने को सीमित रखें। अच्छा, ये तीन चीज बहुत जरूरी क्यों है, मास्क, सैनिटाइजर और हैंड वॉश? जरूरत इसलिए है कि जो इन्फेक्शन एक दूसरे से फैलने का चांस है, या फिर हमारे बच्चे जो बाहर से भी आ रहे हैं, वो चूंकि ट्रेनों में आ रहे हैं उसमें भीड़ ज्यादा है, बसों में आ रहे हैं भीड़ ज्यादा है, तो पब्लिक जागरूक हो सके और वो बच्चे खुद अपने घर को भी जागरूक कर सके, इसलिए इन तीनों चीज की आवश्यकता बहुत ज्यादा है, प्लस एक दूसरे से इन्फेक्शन ना फैले इसलिए इसे पहनना और यूज करना सैनिटाइजर का जरूरी है। आपके हिसाब से कुछ सुझाव लोगों को, कैसे बचें, हाथ कैसे धोएं? बस हाथ कम से कम 20 मिनट में या आधे घंटे में घर में रहते हैं तो धोएं, और सैनिटाइजर को उपयोग करें अगर वो बाहर कहीं रहते हैं तो, और मास्क का यूज करें और भीड़ भाड़ से बचें। धन्यवाद। और यहाँ पर चौक चौराहों में लगातार अभी का जो माहौल है, कोरोना वायरस पर ही चर्चे होते हैं, हर एक आम खास लगातार इसी विषय को लेकर अपनी बात को रखते हैं कि आखिर कोरोना वायरस क्या है और उससे कैसे बचा जा सकता है। हमारे साथ यहाँ घर मौजूद है एक नागरिक, उनसे हम जानना चाहते हैं क्या जानते हैं कोरोना के विषय में। सर, कोरोना ये एक विदेशी बीमारी है जो कि हम लोगों के बीच में विदेश से आने वाले के द्वारा फैला गया है, और इससे बचाव ही, जानकारी ही हमारी बचाव है, जिसमें सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसमें बार बार हाथ को धोना, मास्क पहनना, भीड़ भाड़ वाले जगह से बचना, ये मुख्य रूप से है। और जैसे कल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बताया गया था कि हाँ, पब्लिक कर्फ्यू, पब्लिक उनके द्वारा बताए गए दिशा निर्देशों का पालन करना मुख्य रूप से ये बचाव के साथ। अच्छा, मास्क और सैनिटाइजर को लेकर क्या कहिएगा, कमी देखी जा रही है? मास्क सैनिटाइजर का कमी है, उसके लिए मेडिकल स्टोर वाले या जो विक्रेता है उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो सरकार से उनको मांगे या पब्लिक को मुहैया कराएं, ये बहुत ही जरूरी है। मैं भी सैनिटाइजर के लिए ही आया था, परंतु ये बोले शाम को देंगे तो शाम को ही लेंगे। ठीक है, आप क्या कहना चाहिए आपको होना बारे एक क्या भैया? बिल्कुल, जो भी सरकार की तरफ से निर्देश, अब स्वास्थ्य विभाग तक निर्देश दिया जा रहा है उसका हमें कड़ाई से पालन करना चाहिए और लोगों को भी बताना चाहिए। और चूंकि ये सीसीएल का क्षेत्र है और एनकेरिया का जीएम अधिकारी से, ऑफिस वाला से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि वो भी अपना स्तर से सैनिटरी और इसका जो मास्क का है उसका वितरण कराने का कृपा करें। हम लोग आशा रखते हैं कि इसका व्यवस्था करेंगे अपना स्तर से।